एन के लिए क्या घटाना है, इसलिए एन एन माइनस वन निकालें। तो जहाँ एन है वहाँ क्या रखे, एन है वहाँ क्या रखे, एन माइनस वन। तो उधर भी जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन माइनस वन रखेंगे। ऐसे कहो तो एन पदों का जो फल, तो चार पदों का जो फल निकालना चाहिए, तो चार ही रखेंगे नहीं। तो उसी तरह एन माइनस वन पदों का जो फल निकालना चाहिए, यानी कि आपने क्या रख दिया, इधर भी जहाँ जहाँ एन वहाँ रखेंगे। और इसे गुणा का संबंध है, गुणा करते हैं। अब लिखेंगे इसलिए tn बराबर फॉर्मूला यही sn माइनस sn माइनस वन। तो sn कितना आया, tn प्लस दिया गया है माइनस। तो इसको घटाना है, इसका मान यहाँ पर, तो जब घटाएंगे तो इसका चीन बदल जाए। तो बताइए इसलिए लेकिन गुना है, तो गुना हम पढ़ लेते हैं, तो गुना होगा तो क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ भी गुना होगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा, इससे यहाँ गुना होगा। समझ में आया, अब पीएन से पीएन कट गया, क्यूएन स्क्वायर से क्यूएन स्क्वायर कट, कितना बच गया, तीन प्लस इतना ही बचा हुआ। देख लीजिए हम लोग आधा दूरी तय किए, यहाँ पर पहुंच गए हैं टी एन पर, देखिए बहुत अच्छा। तुम धारण सब जा रहे थे और बस स्टैंड पर तुम रुक गया, हो गए कर टी एन निकाल लीजिए। और क्या निकालना होगा, ठीक उसी तरह हम इस एन के जब हम पूर्ण कर देंगे कितना, ठीक है, इधर भी जहाँ एन है वहाँ क्या रखना है, तो पी प्लस वन, फिर इसे इस पर गुना कर दो पद, बोलिए टू क्यू एन होगा या हुआ माइनस टू क्यू या क्यू अपने इसमें पे लिखो। और अब लिखेंगे इसलिए टी बराबर फॉर्मूला क्या है, टी एन माइनस बराबर टी एन।